प्रदेश के एटा में पुलिस द्वारा एक वकील को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। इसका कारण मकान का विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एटा शहर के कटरा मोहल्ला निवासी वकील राजेंद्र शर्मा और लोकमनदास तिराहा निवासी रामू भटेले के बीच 2014 से एक मकान पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। 21 दिसंबर को इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट व फायरिंग हुई। इसमें मोहल्ला सुंदरलाल स्ट्रीट निवासी अरबाज गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा के वकील राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई के मामले में सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सीजीएम से जांच रिपोर्ट तलब की है, साथ ही एटा के डीएम और एसपी को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस प्रकरण का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश एसडी सिंह की खंडपीठ ने जांच में ऑडियो वीडियो के आधार पर घटना की पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 तय की गई है। विवादित मकान में रहने वाली रेखा शर्मा ने वकील राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान आरोप लगाया गया था कि मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया गया है। आरोप है कि पुलिस आरोपित राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करने पहुंची, इस दौरान उनके गेट पर लात मारी गई। राजेंद्र शर्मा के दरवाजा खोलते ही उन पर पुलिस टूट पड़ी, जमीन पर गिराकर उन्हें बेरहमी से घसीटा और पीटा गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका कायम करते हुए सुनवाई की है। एटा पुलिस के इस अभद्र व्यवहार के विरोध में पूरे राज्य भर में वकीलों ने प्रदर्शन किया, साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्र ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.